मुझे नहीं समझता, आप देखो आके। 14 लोग तो है, पर पता नहीं कैसे होता। आप बहुत स्ट्रांग हो, मैं भी सिंगल मदर हूँ, मेरा एक बेटा है, बहुत प्यारी हो। अच्छा आए लोग? हाँ। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? माशाल्लाह, सब इतना पूरा आता नहीं है, पूरा क्या आता ही नहीं है कुछ। मेरा करता धरता मेरा बेटा जा, पढ़े लिखे जाहिल हम। और कैसे आप? ओहो, फास इतना फास। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, आओ ना प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, आपने मेरा न्यू चैनल देखा क्या? पहले ये बताइए, इसके यहाँ पे हम दोनों, हम लोगों का कनेक्शन यहीं से हो सकता है, तो आप लिखोगे तो मैं पढ़ूंगी तो पता चलेगा। वालेकुम अस्सलाम, हाँ दी आप अच्छे हो? ये कितना खाएगा भाई जेली, जेली की चीजें, जेली की चीज। अमीन ये इधर करो ना बेटा थोड़ा सा। ये लीजिए, ये देखो मुंह में सब जेली ही है उसके। आई एम फ्रॉम यूके, आई एम सपोर्ट। थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? मैं हाय मैम, अच्छी भी हूँ और थोड़ी तकलीफ में भी हूँ। बैंगलोर, बैंगलोर से भी है। बैंगलोर वालों को अस्सलाम वालेकुम, यूके वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? और माशाल्लाह देखते देखते देखो इतनी जल्दी 12-13 दिन ख़त्म हो गए। अब देखते देखते रमज़ान भी चला जाएगा हमको छोड़कर, फिर वही। एटलीस्ट रमज़ानों में तो थोड़ा ये डर लगा रहता है, तो कम से कम आदमी थोड़ा काबू में रहता है, अपनी ज़बान को थोड़ा काबू में रखते। जो नेक नीयत, जो नेक रूह, जो नेक इंसान होता है ना, तो वो तो कोशिशें करता है, पर दुनिया ऐसी इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर रमज़ान एक ऐसा होता है कि मतलब नेक तो छोड़ो, बदमाश आदमी भी काबू में रहता है। तो अभी रमज़ान चला जाएगा तो फिर बदमाशों की तो राज हो जाएगा, है ना अमीन? दो सेकेंड ना, ये मैं नहीं किया, अपना न्यू चैनल का लिंक है। ओके, सब देखेंगे ना। ओके, हमें आपको मस्त देखना पसंद है, आप मस्त रहो इंशाल्लाह। नजर लग गई तुम्हारी आंटी को, टोक लग गई टोक आपके न्यू अकाउंट का नाम। आपको देखो लिंक दिख रही रहेगी, मम्मी के लिंक पे दिख रही रहेगी मम्मी का नाम। प्लीज जो मुझे गिफ्ट आया नजर वाला, मुझे आज नहीं सॉरी 2 दिन हो गया मुझे वो गिफ्ट आई है, और वो गिफ्ट के साथ उन्होंने जो इतने अच्छे वर्ड्स और इतनी अच्छी विशेष के साथ, इतनी अच्छी ब्लेसिंग के साथ उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दी थी। मैं बताऊँ आपको गिफ्ट? आई मीन बताओ ना प्लीज। देखो मैम, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालों को, हैदराबाद वालों को, और चार मीनार कैसे है आपके इधर? और वहाँ का कैसा है? कैसे होने तुम्हें? कैसे है जी तुम्हें हैदराबाद में? अच्छे हैं कि? ये देखिए, ये मुझे गिफ्ट मिला था, और इसके साथ इतनी अच्छी उन्होंने ब्लेसिंग दी है, जिनका आज बर्थडे भी है, वर्षा नाम है उनका, तो वर्षा ने मुझे ये गिफ्ट दी थी और इसके साथ बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी थी। तो वर्षा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं सब लोग आपके लिए दुआ करेंगे, और आज वर्षा का बर्थडे है तो आप उसके हक में ज़रूर दुआ कीजिए। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत मेहनती बच्ची है,
और आप मुझे जैसे लाइक करते हो एक ऑनेस्ट पर्सन, इसी तरीके की वो आई थिंक मैं जैसे मतलब जितना भी ज़्यादा करीब से जिनसे जुड़ती हूँ मोस्टली ऐसे ही होते हैं। और आप मानते हो ना ये बात कि जो इंसान जैसा होता वो उसी तरीके की इंसान या उसी तरीके की पब्लिक में अपने आप कन्वर्ट हो मतलब ज्वाइंट हो जाता है। ये कुदरती बात है कि मैं अगर किसी से अनजान भी जुड़ती और वो मेरे लायक नहीं होते तो गरीब नवाज उनको कट टू कट फिनिश कर दे। देखो मेरा हाथ जला था, छाला फूटा हुआ है, काफी अच्छा हो गया अभी। ये कहते हैं कि ये जैसे कि बिजनेस वुमन हो तो जो घर वाली घर की औरत होती है उसकी निशानी है, बताओ ये ऐसी कोई बात होती है क्या यार? हाथ जला लो तो घर की निशानी कि घर पे आप कुकिंग करते हो, ये कौन सी बात है यार? हंस रही थी मैं ये बात सुनकर, बोले ये घर की रिश्ती औरत की निशानी है। अयूब अंकल कैसे है? अयूब अंकल कैसे है मुझे नहीं पता, उनके चैनल पे जाइए और अगर तो उनके घर वालों से पूछिए, उनके बेटे से पूछिए, उनकी वाइफ से पूछिए, उनकी बेटियों से पूछिए, वो बताएंगे, कुछ साथ ही रहते हैं इंशाल्लाह। अब मेरे साथ नहीं रहते तो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को? पढ़ेंगे आप खाली देखने के लिए बैठे ले नहीं। आप अपने फोन में पढ़ के बताओ ना। I am from USA. I love you so much. I really like you. Please come to USA and be my guest. Oh. I will help you for visa. Thanks. Oh, thank you so much. So thank you. You invite me. I love you. जब भी आऊंगी इंशाल्लाह अपने वीजा और अपने खर्चे पे ही आऊंगी और आप मुझे ज़रूर मिल, बस दुआ कीजिए कि मैं अपने बच्चों के साथ आऊं। आंटी मच लव फ्रॉम पुणे। अरे पुणे में कोई दिखेंगे आपको सेलिब्रिटी? मैंने तो कल के ब्लॉग में दुआ की थी कि मुझे, मैंने जब मेरे साथ रहते थे मैंने देखा था वो इबादत करते हैं, मैं तो यही समझ रही थी कि वो इबादत में अभी भी है और मैंने सुना भी था लाइफ में 7 बजे मस्जिद में जाता हूँ, 7:30 बजे तो 12:30 बजे आता हूँ, तो बाखुदा मैंने यकीन किया था उस बात पे। लेकिन मैंने पता किया तो पता चला साहब तो पूना में है, तो ज़रा देखिए हमें आपको सेलिब्रिटी दिखेंगे। मुझे ऐसा पता चला है, आई डोंट थिंक कि कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि लोग क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं, क्या बयान करते हैं, क्योंकि 50% सच होता है, 50% झूठ होता है। मुझे जो कान पे बात आई, जो बात पता चली, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। की बात तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं जब भी बात पुरावा देके करती हूँ, यू नो पुरावा। हाँ पुरावे से याद आया, थैंक यू सो मच जो भी लोग मेरा आज का व्लॉग में मैसेज किए, उसमें स्पेशली एक एडवोकेट थे और एक ऐसे दूसरे भी कोई थे जो काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी अच्छे वर्ड से उन्होंने जो लिखे थे तो पता चलता था कि वो काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है। तो उन्होंने बोला कि मुझे आप अपने पर्सनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्लीज़ इस तरीके की मत शो कीजिए, बिकॉज ऑफ एंड मोमेंट पे आपको ये करना चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा। और स्पेशली एक एडवोकेट थे, उन्होंने बोला मैं आई एम एडवोकेट और मैं ये बोलना चाहूँगी अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। नहीं बेटा मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी सलाह, क्योंकि ये सब बातों की बारीकी से ज़्यादा शायद कोई नहीं जाने। ठीक है हम लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता तो हम इमोशनल में बहते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं मेरे पेपर्स वर्क को शो कर रही थी तो इंशाल्लाह मैं शो तो करूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका सब चीज़ें तफसील से पूरा कम्प्लीट पैकेज पूरा बना लूँ देन उसके बाद शो करूँगी, ताकि कल मेरे घर पे कोई आए तो मैं उसको पूरा क्लियर कर सकूँ, है ना। जैसे मेरे घर पे पहले भी बहुत सारे जन आए थे, बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे और बाहर खड़े रह के सामने से फ्रंट से जिन्होंने वीडियो लेकर डाले थे, तो ये सोचो जब आपने फ्रंट से वीडियो शॉर्टकट में लेकर डाला तो मेरे पास तो अंदर से मैंने सारा वीडियो लिया था, तो मेरे पास तो पूरा प्रूफ है, पूरा वीडियो है, जब वक्त आएगा तब यूज़ करेंगे सब चीज़ों को। अभी आप पढ़ोगे?
आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी जाइए, उसके लिंक पे जाइए और देखिए। और मुझे मुझे जल्दी से यार उसमें एक कुकिंग शेयर करना है, तो प्लीज़ यार उस पर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर थोड़ी ये चीज़ों से बाहर निकलूँ, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने कौन से दौर से गुजर रही हूँ। और ये आज फिर से आज के ब्लॉग में मैंने ये चीज़ पढ़ी हूँ कि मुझे लोगों ने इतना मतलब इतना प्यार दिया और इतना मेरे हेल्थ को लेके बात की है कि आप इतने वीक लग रहे हो, जब से ये सब चीज़ चालू हुई है तो आप इतने वीक लग रहे हो, तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको कुछ हो जाएगा तो आपके अमीन अली को कोई नहीं देखने वाला। तो मतलब आप कितना मुझे प्यार करते हो और कितने ध्यान से मतलब हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हो, और शायद कहीं ना कहीं मुझे बहुत दिल से पसंद करते हो और बहुत समझने की कोशिश करते हो। जज़ाक अल्लाह, ज़िंदगी में हमेशा हमेशा खुशियाँ बरकरार रहे, आमीन। और आपके घर में आपके परिवार में हमेशा आपकी मोहब्बत के ताल्लुकात रहे और हमेशा आपकी रोज़ी में खैर बर। मेरे दिल से यही दुआ है और मैं दुआओं के सिवा आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। आप जो मुझे दे रहे हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इससे मुझे जो भी अर्निंग हो और मैं कहीं डोनेट करती हूँ तो इसके हकदार कहीं ना कहीं आप। अगर आप पसंद करते हो, मुझे लाइक करते हो तो इतने व्यूज़ आते हैं, तो उससे मुझे अर्निंग होती है और उसमें से मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामों में पैसे देते रहती हूँ, तो इसकी कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही आप लोग भी हकदार हो, ये मैं मानती हूँ। और मैंने हमेशा सच्चाई को माना है और सच्चाई को सलाम किया है, तो ये भी एक सच है, आप कहीं ना कहीं इसमें परसेंट है। और मैंने हमेशा मेरी दुआओं में आप लोगों को शामिल रखी हूँ। ज़िंदगी में पैसा ख़त्म हो जाता है लेकिन दुआएं कभी छोड़कर हमको नहीं जाती है। ये दुआ हम आसमान की बुलंदी पे चढ़ते हैं और ये बद्दुआ ही होती है कि हम ज़मीन की गहराई में डूब जाते हैं। आई मीन यार प्लीज़ यार, ये आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप परेशान हो। अब आप बताइए मेरे पास क्या चीज़ की कमी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अगर परेशान हाल हूँ तो एक ये सच्चे इंसान की, सच्चे दिल की और सच्चे रिश्ते की निशानी होती है। इसको समझने के लिए सच्ची नजरें चाहिए बस। यू आर एन आइडियल वुमन फॉर मी आंटी। थैंक यू सो मच। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी कोई चीज़ की ज़िंदगी में आपकी मदद करती हूँ आपको समझने को, या फिर आपको ज़िंदगी समझने, या फिर इस ज़िंदगी की तकलीफ़ में आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो मुझसे इंस्पायर होती है, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ इस बात के लिए ख़ास करके। और मेरे किचन के जो चीज़ें लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं भी आपको कहीं ना कहीं समझती हूँ और इसीलिए आपके सजेशन पे मैंने इतना बड़ा फ़ैसला ली हूँ कि मैं एक अपना चैनल बनाऊँगी। नहीं तो इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं कुछ ये अलग और चीज़ों को ले कर करूँ, क्या पता ने कौन सी मंजिल है और मेरे लिए सोच कर रखी है। ये दुख हमें दिखता है, क्या पता इसकी इस दुख के पीछे अल्लाह ने कौन सी कामयाबी मेरे लिए लिख के रखी हो। ये सच बात है ना कि अगर आप ये चीज़ें आपके थॉट में आई, आपने सजेस्ट किया और मेरे दिल को भी वो चीज़ पसंद आई, तो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं ये तारे जोड़ जोड़ कर वो रास्ता। और मैं बिलीव करती हूँ इन बातों पर सब। आप इतना खुश कैसे रहते हो? खुश इसलिए रहती हूँ कि बेटा मैं अल्लाह के आगे हमेशा सजदा करती हूँ, बच्चों के ज़िंदगी का सोचती हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी में बीत रहा है अच्छा हो या बुरा हो मैं उसको हमेशा पॉजिटिव से लेती हूँ, नेगेटिव लेती हूँ। हालांकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ है लेकिन उस पर भी ये सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे ये चीज़ों से और ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो रही तो अल्लाह पाक कुछ मेरे लिए अच्छा सोचे और ये ज़रिया है, इसी से शायद मेरी ज़िंदगी आगे अच्छी होगी, ये सोचती हूँ हमेशा। अस्सलाम वालेकुम दीदी, कैसे हो आप? आई एम फ्रॉम चेन्नई। भांजे दिखाओ आपके भांजे को। वालेकुम सलाम, बहुत अच्छे मैं और मम्मी दोनों। और जी शरीफ का अभी मुझे फोटो भेजे, तो दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी फैमिली के साथ आपको वहाँ दिखूं, दिल से दुआ कीजिए। मैम आप हंसते हुए कितने प्यारे लगते हो, ना उन लोगों के बारे में सोचना जो आपको दुख दिए, आप कितनी सारी खुशियाँ डिजर्व करते हो, लव यू मैम, आप मेरी मम्मी हो। थैंक यू बेटा। नहीं सकते बेटा, जैसे होता है ना मुझे सेम, प्लीज़ आप जब भी पढ़ोगे तो उनकी आईडी पढ़ा करो जिनका भी आप आंसर। श्रद्धा
तो लिखे बेटा, आई एम वेरी अप्रिशिएट, लेकिन यही सेम चीज़ मेरे को अमीन भी समझाते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं अमीन को भी यही सेम बोल रही हूँ जो मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जो अयूब के साथ वक्त मेरा बीतता था और वो उसमें वो मुझे क्या बोलते थे, वो मेरे साथ कैसे रहते थे, मैं उनके साथ कैसे रहती थी, और अकेले का वक्त होता था, हम दोनों के साथ का वक्त होता था, तो वो चीज़ें मुझे दिमाग में ना वो पिंच करती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ देती है वो सब चीज़ें। और अगर जो सच्चा इंसान होगा ना, मैं हूँ या दुनिया में कोई भी हो या के अयूब हो, अगर से किसी से जुड़े होंगे ना आप, तो आपको वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ देगी जो एक पार्टनर के साथ वक्त बीता हुआ, बातें बीती हुए वक्त हमको याद करे, और ऐसे वक्त में वो वक्त याद आता है तो बहुत तकलीफ़ देने वाली बातें होती है वो। देखो एक बुराई तो तकलीफ़ देती ही देती है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा ही तकलीफ़ देती है। अच्छा, मेरे चैनल्स का नाम तो लिखिए, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है आपको पता है मेरे चैनल का, न्यू चैनल का नाम, तो प्लीज़ मुझे भी ज़रा लगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो या मेरे चैनल को वो मतलब ध्यान में रख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल का नाम लिखकर बताइए कोई, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे यार, कहीं से कुछ तो खुशी का एक झलक दिखे मुझे प्लीज़। ये हमेशा इधर आइरिशन ऑफिसर एट हीथरो एयरपोर्ट यूके, देर आर अबाउट 10 पीपल सेइंग हाय टू यू साइरस, मेनी लव फ्रॉम स्ट्रॉबेरी यूके। ये हर हर हमेशा लाइव रहते हैं स्ट्रॉबेरी से यूके ना, के मेहता। आप मेरे लाइव जब व्लॉग चालू होते तब तभी भी आप रहते ही हो, तो के मेहता थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो और स्पेशली आप मुझे इतना लव करते हो। सब लिख रहे सायरा सुल्तानीज किचन, ओह आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो सायरा सुल्तानीज किचन, सायरा सुल्तानीज किचन, आई वेरी हैप्पी। देखो अगर मैं इस पल खुश हुई ना, तो इसके हकदार आप हो, और जो भी खुशियां देने वाला इंसान होता है ना, अल्लाह उसको बहुत पसंद करता है। अब भले एक पल की खुशी मुझे मिली और एक पल की ये देखकर, ये जो आप लिखे सायरा सत्तानी किचन, जितने भी लोग, और मुझे ये देखकर खुशी हो रही कि सच में आप वॉच कर रहे हो, देखते हो, मुझे प्यार करते हो, तो ये जो खुशी आपने मुझे एक पल की दी है ना, आप बहुत खुश होते हैं। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो जानती हो, बस जो भी अगर हिंदू है तो भगवान आपकी दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे, और मुस्लिम हो तो अल्लाह आपको ज़िंदगी में हर चीज़ अता करे जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, मैं दुआई दे सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लोगों को मेरे चैनल्स का पता चला, शुक्रिया, जजाक अल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ओ मैं अभी पहला व्लॉग जब उस पर बनाऊँगी ना, तो जो मुझे नज़र का वो क्या मिला है ना, क्या मिला है वो, क्या बोलते हैं उसको, वो नजर के लिए जो लगाते ना बेल्ट के समथिंग कुछ, हाँ, बताई थी वर्षा, हाँ, मुझे याद नहीं है, मैं पहला ब्लॉग बनाते वक्त उसको लटका के रखूंगी। बाबा बुरी नजर नहीं चाहिए हमको, ए माशाल्लाह कितने सारे जन लिखे, देखो सायरा सत्तानी किचन, आई लव यू, एंड अल्लाह आपको जिंदगी में जिस तरीके से आप मुझे खुशी दे रहे हो, अल्लाह आपको ऐसी खुशियाँ नवाजे, आमीन। अल्लाह आपका भी हर हर काम बनता हुआ काम बनाए, और अगर कोई बिगड़ा हुआ काम भी अल्लाह पाक आपको बना दे, ये जो आपने मुझे खुशी दी इसके सदके में। और बताइए आंटी, आपका फर्स्ट लव हम लोग बहुत देखने के लिए बेसब्र हैं। अधिक नजर का लिखे, शुक्रिया, जजाक अल्लाह, सच में बुरी नजर से बचाए अल्लाह, इविल आए ये देखो मेरा इविल आए, आज तो मैंने यह हाथ में भी पहनी, देखो वो सुन रहा है, रुक जाओ देखो, और ये तो मेरा रहता ही है, ये तो ट्रेंडिंग में निकला है, बट ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा, ऐसा वाला नहीं देखा होगा, ये एकदम डिजाइन एकदम स्पेशल है, ये वाली आपको नहीं दिखेगी, ये वाली तो सब जगह दिख जाएगी कॉमन, ये देखिए जो मेरे हाथ में है ना अमीन, ये एकदम स्पेशल है, जैसे आपके लिए स्पेशल हूँ ना मैं सायरा सत्तानी, इसी तरह आप मेरे स्पेशल लोग हो, मैं आपके लिए स्पेशल हूँ,
हम एकदम स्पेशल लोग हैं, अंडरस्टैंड। और जो हमारे को देखने वाले हेटर्स है वो भी स्पेशल है, जलते हैं, तकलीफ में आते हैं, तकलीफ में रहते हैं। लेकिन आपको पता है, जब मेरा ब्लॉग आता है उसके पहले हेटर्स लोग आके लिखना चालू करते, तो आप सोचो कितनी जेन्यून मेरे फॉलोवर्स है वो लोग, जो मुझे चाहते हैं उससे भी ज़्यादा वो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। आई लव यू तो नहीं बोलूँगी उनको, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को लव नहीं करती हूँ। एक ने लिखा, बूढ़ी, ए यार मैंने बाल कहाँ बूढ़ी दिख रही यार, चेहरा कहाँ बूढ़ा दिख रहा यार, हाँ उम्र से तो बूढ़ी हूँ। डोंट वेरी, मेरा बेटा बोलता इग्नोर, ये मोगो मोगो था क्या था, मैं बोल रहा था अभी थोड़ा मेकअप करके बैठे। नहीं नहीं मेकअप मेकअप अभी नहीं, रमजान बाद फिर से वापस कोलैबोरेशन करेंगे, नहीं, कुछ, नहीं। नया लुक दिखा हाँ। कुछ नया लुक दिखाएंगे ये उम्र में, 50 साल की उम्र है। क्या हाल है, बढ़िया है, बढ़िया 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 है ना। अमित वाईफाई तो दिया हुआ है रुको, इसके लिए थैंक यू, नमस्ते। ये वो मराठी वाले नहीं आए आज, वो थे शायद, वो हमेशा रहते हैं। 60 साल, अबे यार तुझे कैसे पता मेरी एज 60 साल है, मैं मुझे पता है कि तुझे पता है, तो मतलब तुझे पूरी डिटेल मालूम होगी मेरे हस्बैंड की, खास करके जरा भेज देना मुझे लिखकर। कौन सा वाला हस्बैंड पता है, जो अभी जिंदा है, एक तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के पास रहते हैं, और हाँ बहुत सारे इतनी पंचाते, काशी दिखाओ, कासिम का फोटो दिखाओ, क्यों अब वो जो दुनिया में नहीं, की भी पंचायत करनी है क्या आप लोगों को, ये लो कासिम का फोटो देख रहा है, इसको देखो डिक्टो कॉपी है ये, कासिम के डिक्टो कॉपी है ये। लाइव में मोगो मोगो लेके बैठो, किसी को बहुत आग लगती है, ये ला तो जरा, ये इसने पता हूँ अभी कितने बॉटल मोगो मोगो पिया है यहाँ बैठे बैठे, तो ला तो जरा देख, उधर एक पी के डाला है, उधर एक पी के डाला है, ला तो जरा ये देखो एक अभी ये ला तो, ये कौन सा फ्लेवर है, तूने दोनों ग्रेप्स पी लिया ना, तीनों ग्रेप्स पी लिया ना अमीन तूने, एप्पल देख मैंने अभी थोड़ा टेस्ट कर दिया, और नया वाला आज मैंने नया वाला एप्पल का वो क्या बोलते हैं नया फ्लेवर लाई, मस्त है। और आपका देखो दूसरा वाला बॉटल की तरह जो आपने पी के रखे, खत्म हो गया, लीची है देखो उधर पड़ा है, लेकिन अरे दिखाना पड़ेगा लोगों को, यकीन होना चाहिए कि हम सच बोलते हैं, मतलब वो जो हेटर्स ले ना उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग हम लोग को पगार नहीं देंगे अगर हम उन लोगों को पूरा सब डेफिनेशन नहीं देंगे तो, यू नो ना। अरे वो फ्रिज, वो जो किचन पे खाली फेंका है ना आपने, या कितनी बॉटल आपने पी, तो पूरा आप डिटेल दोगे तभी तो हम लोगों को सैलरी भेजेंगे ना बेटा वो लोग, क्या यार समझते नहीं है यार, कैसा बॉयफ्रेंड है तू मेरा। ये देखो ये अमीन ने दो पी के खत्म किए है, ये मोगो मोगो, अबे ये देखो कचरा, छी छी गंदा बच्चा, बच्चा नहीं मेरा बॉयफ्रेंड सॉरी। और ये देखो तीसरा लेकर आ रहा है वो, छोटा नहीं ये मेरा है, ये एप्पल वाला है, ये एप्पल वाला अमीन, आजा ले, अब ये भी पिएगा, और ला देखो तीसरा वाला पी रहा है वो मोगो मोगो। और जिसने भी ये मोगो मोगो का लिखा, थैंक यू सो मच बेटा, मतलब आप मुझसे ज्यादा ध्यान रखते हो हमारे चाहने वालों को, है यस। लो आप पियोगे मोगो मोगो, या ये वाला तो लीची फ्लेवर बहुत अच्छा है। लव फ्रॉम सूरत, माँ मेरा ये सूरत पीछा नहीं छोड़ेगा क्या बे? ये टेस्ट कर, वो दे मेरे को, टेस्ट तो बहुत मस्त है। आप लोग भी वाला भी बहुत मस्त है मोगो मोगो। अभी फिर से गोला हो रहा है। हाँ सही सही, थैंक यू आपने ये लिखा, मुझे मेरे दिल का मतलब एक छाला फोड़ दिया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। उसको रोज मैं चिल्लाती हूँ कि जा भाई, तो मतलब मम्मी फिर मेरे को डाइट भी करना पड़ेगा। ये देखो परसों मेरा बेटे ने ये ला कर दिया था, रोल ऑन इससे मेरी, अरे आज क्या बात है, सुबह से पोपट बनते जा रही, सुबह बैंक में पोपट बनी,
अभी यहाँ घर में पोपट बनी, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छे बहुत जल्दी इसमें कोल्ड कम हो जाता है। इसका नाम शो करूँ क्या? अरे क्या नाम शो कर रहे हैं आप? ये देखो, इससे मेरी सर्दी कम हो गई। चलो चलो, मैं अभी थोड़ा स्ट्रॉबेरी वाला टेस्ट करती हूँ। ये देखो देखो, पाकिस्तान वालों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आंटी वी लव यू। दिल्ली कब आओ? दिल्ली? यस मां। दिल्ली बहुत, दिल्ली बड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं, दिल्ली बहुत दूर है हमारी, दिल्ली दूर, दिल्ली दूर। खैरियत से? दो मेरा मेरे को दे दो। मेरा मेरे को थोड़ा सा, मैंने टेस्ट करने थी, पूरा गैप नहीं दूंगी इसको कुछ भी। चलो मैं नहीं दूंगी यार। दीवाने हैं दीवाने, रंग लेंगे, छेड़ो ना हमें वरना खाजा को बुला लेंगे। आप छेड़ो ना मुझे लोगो, मैं गौस का दीवाना। ये है, और बड़े पीर सरकार का तो बहुत करम हो गया कुछ पे। अच्छा, आप लोगों को कैसी लगी वो जो मैं वहाँ से बगदाद शरीफ से रिंग लाई, और उसकी डिज़ाइन आप लोगों को कैसे? एक डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा हैवी हो गई, मुझे पसंद नहीं आ रही है वो, तो मैंने अमीन को बोला कि वो बहुत बड़ा पत्थर है, मैंने बोला आप पहनो, और अमीन का लकी पत्थर बताओ आपको। नहीं नहीं, हाथ में ये देखिए, ये बगदाद शरीफ का ही है फिरोज़ा, और ये लोग गोल्ड में नहीं पहनते, तो मैंने वो बोला उसको कि वो जो मैं लाई हूँ हकीक, तू एक पहन गोल्ड में, तो बोला नहीं मैं पहनूंगा तो चांदी में पहनूंगा। और अमीन ने सॉरी अली ने भी दूर नज़र उसका चांदी में बनकर आया है, काफ़ी इतना बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है उसके हाथ में, उसने पहना है। और बताइए ये क्या आया? अमीन पढ़ो ना यार, मुझे अच्छा लगता है यार लोगों से बात करने के लिए। आओ ना आप सूरत। आ रही हूँ सूरत, और दुआ करो अमीन का जो बड़ा काम का सोची हूँ वो काम भी वहां पे शुरू करवाऊं। आप लोग भी दुआ कीजिए, क्योंकि आपका शहर है, मैं तो वहां मेहमान हूँ। और सूरत की बात से याद आया कि हाँ, सूरत जुड़ी थी मैं अयूब्स के रिश्ते से, पर काम के सिलसिले में बड़े अयूब ने मुझे उनसे पहचान कराए थे। जो सबसे पहला काम वहाँ पे मैंने शुरू की थी, एक भाई है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो भाई मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे स्पेंड और सबसे पहला काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह मैंने उनके साथ ही की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो टाइम दिया वो टाइम से थोड़ा सा आगे पीछे हुई बात, पर ठीक है ना, अभी धंधा है, कभी थोड़ा ऊंच नीच तो होता है। दूसरा, मैं उनके साथ बड़ा काम करना चाहती थी, और बहुत सारी मैंने तैयारी भी कर रखी थी। फिर अयूब, क्योंकि अयूब की वजह से, अयूब की पहचान से ही उनसे मैंने शुरुआत की थी बिस्मिल्लाह, मैंने उनके पहचान से उनके बोलने पर की थी, मैं नहीं जानती थी उनको। लेकिन फिर बाद में अयूब ने मुझे बोला क्या करेगी, तो तेरे इतने चप्पलें घिस जाएंगे कि तुझे भी नहीं पता चलेगा, कि मत कर गोरी। तो मैं अभी उस टाइम अयूब के प्यार में इतनी पागल रहती थी कि अयूब की बात मैं कभी नहीं डालती थी, मुझे लगता था कि अयूब जो बोले वो सच है। नहीं तो अभी तक तो मेरा बेटे का आई थिंक वहाँ पे नाम का बोर्ड लग गया होता, क्योंकि मैं वो भाई के साथ ही बड़ा काम चालू करने वाली थी। तो सॉरी भाई, मैं थोड़ी आपके भरोसे में डगमगा गई। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर हम कभी जुड़ेंगे और फिर एक साथ काम करेंगे। और आपको तो मैं भाई बोलती हूँ, भले आप मेरे से अभी बात होती नहीं होती हमारी, लेकिन आपने हमेशा मेरे बेटे को भांजा माना, भांजा ही बोलते हैं ना भाई को, बहन के लड़के को, आपने हमेशा अमीन को भांजा ही बोले, और हमेशा आपने अमीन का ख्याल भी रखे, जब भी बात हुई, जब भी आए। तो कोई बात नहीं, अगर हमारे नसीब में जुड़ के काम करना है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम काम करेंगे। और उनका भी जवान बेटा है मेरे अमीन जैसा, तो हम दोनों भाई बहन ये चाहते थे कि हम दोनों बच्चों को लेके कुछ काम शुरू करें, और हमारे मतलब माँ बाप शुरू करें और बच्चे संभालें। लेकिन अयूब के मतलब बोलने से मैं थोड़ी सी कदम पीछे कर ली थी। खैर कोई बात नहीं, अगर अभी अयूब फिर से आए मेरी ज़िंदगी में तो समझाऊंगी, और बैठ के बात करके कुछ भी पेपर वर्क करके, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर करेंगे काम, कोई बात नहीं।
ऐसे तो अभी जिनसे जुड़ी वो भाई भी बहुत अच्छे और बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं अपना, हर जगह में, न्यूज़ में बोलो, वहाँ पहचान बोलो, बिल्डर लाइन में बोलो, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपनी पहचान रखी है वहाँ पे। तो और अभी तक तो मैंने उनके साथ जो जुड़कर काम करी हूँ तो अभी तक तो मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, देन लेन में भी अभी तक बहुत अच्छे है वो, और अल्लाह रिश्ते ऐसे ही बने रहे काम धंधे के सिलसिले में, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि अच्छे अच्छे रिश्तों में ख़राबी लाता है। तो मैं दिल से चाहूँगी कि इंशाल्लाह ये जो भी मेरे भाई के साथ अभी जो भी जुड़ी हूँ, और जो मेरे भाई जिनके साथ पहला बिस्मिल्लाह किया था काम का, उनसे भी मेरे तार जुड़े अच्छे से, जो भी अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं हम लोगों की दूर हो जाए, दिल से चाहूँगी ये चीज़। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे सायरा सत्तानी किचन को ज़रा तवज्जो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जल्दी से मौका दीजिए फटाफट। अच्छा पर चलो अभी छोड़ो, अब मुझे पता है वो तो आप कर दोगे, मैं नहीं भी बोलूँगी तो, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे सब कुछ मिला है, और मेरे नसीब का होगा तो फिर मिल जाएगा। अभी यहाँ लिखो कि पहला रेसिपी वेज बनाओ या नॉन वेज बनाओ, मैंने तो कुछ डिसाइड करी हूँ जिससे मुझे लोग दुनिया में पहचान मिली, तो आप लिखिए कि पहली रेसिपी क्या शेयर करूँ मैं इसके अंदर। और ये हमेशा रहेगा, अगर मैं उस पर हफ्ते में जितनी भी रेसिपी डाली तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ और हम मिलकर कुछ नाम सजेस्ट करेंगे, या फिर आगे रेसिपी के लिए बातें मैसेज के ज़रिए डिसाइड करेंगे कौन सी रेसिपी नेक्स्ट होगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे हमारे कनेक्शन बहुत मजबूत होंगे। वेज नॉन वेज वेज नॉन वेज 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 कोरमा वेज वेज नॉन वेज नॉन वेज 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 नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज ज्यादा वेज आ रहा है, वेज ज्यादा है, वेज बहुत ज्यादा है, वेज बहुत ज्यादा है, आई थिंक वेज ही है, वेज ही है, नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज है। वेज कितना है ना मम्मी, वेज तो अभी एक बात बोलूँ, अभी है रमज़ान तो थोड़ा सा रमज़ान में नॉन वेज का डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट मैं कोशिश कर, मैंने वेज रेसिपी अच्छी आती है और इतनी लाइट और इतनी हेल्दी रहती है, तो मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उसमें आप लोगों के साथ वेज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए ही तो मैंने ख़ास वो चैनल, मतलब नॉन वेज हम बहुत खाते हैं और मुझे बहुत वेज वालों का मैसेज आता है कि आंटी कभी वेज तो बनाओ, तो इसीलिए स्पेशल वो चैनल मैंने डिसाइड की हूँ कि मैं जो वेज है, और इतनी अच्छी अच्छी वेज रेसिपीज तुम्हारी आंटी को आती है बनाने, क्योंकि तुम्हारे अंकल जो थे वो खोजा थे और आपको पता मतलब गुजराती टंकी होती है तो उनको वेज, हालांकि मुस्लिम हम लोग बहुत नॉन वेज खाते हैं, लेकिन का ऐसा था कि जैसे अब 8 दिन में अगर नॉनवेज खाते हो तो 15 दिन में एक बार खाओ, वेज ज़्यादा खाओ, उससे दिमाग ठंडा रहेगा और दिमाग ठंडा रहेगा तो ज़िंदगी भी ठंडी रहेगी। और आपको पता है हम लोग बगदाद गए थे, अल्लाह वहाँ पे इतने सारे खाने के वैरायटी रहते थे, और मेरे दोनों बच्चे क्या खाते थे पता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वेज, और ये बात के गवाह है जो लोग हमारे साथ थे, तो वो लोग गवाह है, और जो भाई के साथ हम टूर पर गए थे वो भी गवाह है कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ही खाते थे, वेजिटेबल ही लेके खाते थे, जो इतना कॉलीफ्लावर की भिंडी की, और बिल्कुल मटन तो मेरा अली इतना खाने वाला मटन ही नहीं खा, फिश करी बनाए मैडम जी, आई लव यू, फिश करी बनाने का सोचा था क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था फिश का, और फिश करी की इतनी वैरायटी आती है मुझे बनाने के लिए, अब मुझे एक मौका मिल गया है, एक चैनल मिल गया है जिसपे मैं ओनली फॉर ये किचन के सारी चीज़ें डालूँ, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं एक चीज़ बताती हूँ तो फिर दूसरी चीज़ मतलब वही चीज़ दूसरे तरीके से बताने में थोड़ी मुझे हिचकिचाहट होती थी कि यार अभी तो मैंने फ़िश बताया था फिर कैसे बताऊँ, अब इस पर कैसे मज़ा आएगा, अलग अलग तरीके की फ़िश, अलग अलग तरीके वेजेस, अलग अलग तरीके के नॉन वेज, है ना, बहुत मज़ा आएगा, एक ही चीज़ एक ही वेजिटेबल आप कितने देते हो आपको भी पता है, मैं इंशाल्लाह होगी कि अलग अलग तरीके से क्या चीज़ें हम प्रिपेयर करके उसको, आई एम वेरी हैप्पी। और बताइए
चलिए अब मैं जाऊँ, मेरे बेटे को बोल रही हूँ कि चल मुझे थोड़ा नीचे राउंड मार कर लेकर आ। और मैंने उसको बोला मुझे तो बोलता कि नहीं आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा, पाया सूप पिलाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं मुझे आइसक्रीम खाना है, अब मुझे नेचुरल की आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं कल भी रात को आइसक्रीम खाकर आई थी और आके वो रोल आउट से पूरा नाक घस घस के सोई हूँ। तो आज मुझे फिर से उसको बोले तो आज नहीं खिलाऊंगा आपको आइसक्रीम, में आज मैं आपको चलो पाया सूप पिला के लाता हूँ। पसंद नहीं पाया सूप बाहर का, सिर्फ पाया पसंद। अब अपनी फेवरेट डिश बनाएं जो आपको बहुत पसंद है। नहीं, आप और हम डिसाइड करके बनाएंगे। मेरे एक्चुअली मैं आप लोगों को इतना मतलब क्यों पसंद करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है यार, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये दो बच्चे हैं। शायद मैं अयूब से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा उनको अपने दिल में बसा ली थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, एक्चुअली बहुत रिजर्व रहती हूँ। और मुझे नहीं पसंद है जल्दी किसी के साथ जुड़ना, जल्दी किसी के साथ ज्वाइंट होना जल्दी। और अभी तो इन दिनों ऐसा हुआ कि मैंने देखा जिनके साथ भी मैं दिल के रिश्ते से जुड़ी, मुझे वहाँ पे धोखा ही मिला, बदनामी ही मिली, तो और डरती थी। तो इसीलिए मैं अयूब से इतना प्यार करती थी, अयूब के साथ 3-3 बजे रात तक जगती थी, 3-3 साढ़े 3-3 बजे तक हम लोग हुक्का बना के देते। उनको मालूम था कि मुझे हुक्का पीना बहुत पसंद है, तो स्पेशल मैं अगर गुस्सा भी रहूँ तो भी मेरे लिए हुक्का बनाएंगे, चल गोरी हुक्का बनाता हूँ। खुश रहो तो भी हुक्का बनाते थे, और अगर कहीं बाहर से आए थकी भी रहो तो भी बोलेंगे चलो हुक्का बनाता हूँ, जा तू फ्रेश हो जा। तो हम लोग 3-3 साढ़े 3 बजे तक हुक्का पीते थे, फिर थोड़ी बातें करते थे, फिर थोड़ी बातें करते करते सो जाते थे। फिर वो सुबह उस दिन जिस दिन ज़्यादा लेट होता था, फिर वो सुबह 12:30 या 1 बजे की ट्रेन से जाते थे ना, हाँ सूरत, या तो कभी कभी नहीं भी, मेरा मैं उनको फिर बोलती थी जान दो ना इतना लेट हो गया कहाँ जाओगे अभी, तो कभी जाते थे कभी नहीं भी जाते थे, कभी मेरी बात सुन भी लेते थे। खैर बहरहाल देखो मैं इसलिए ये सब बातें करती हूँ, हालांकि कड़वाई बहुत, कड़वाहट बहुत है इस रिश्ते में, लेकिन मैं वो कड़वाहट को मैं नहीं चाहती हूँ कि इस रिश्ते में वो कड़वाहट पूरी तरीके से फैल जाए, इसीलिए अभी भी कोशिश करते रहती हूँ। और एक अच्छा इंसान यही है, बोलने से नहीं होता कि एक औरत एड़ी चोटी का जोर लगा देगी अपना रिश्ता जोड़ने में, ऐसा बोलने से नहीं होता यार। आप सिर्फ थोड़े देर के लिए मेरे साथ जुड़ते हो व्लॉग के जरिए हो या लाइव हो, और अखा दिन में भी मैं थोड़ा देर कितना होता है, बहुत से बहुत 25-30 मिनट का व्लॉग डालती हूँ। जिंदगी एक दिन की ज़िंदगी 24 घंटे की होती है, तो आपको पता है कि 24 घंटे में कौन सा पल कैसा गुजरता, कौन सा वक्त कैसा रहता, कौन सी सोच कैसी रहती है। लेकिन आदमी कभी वो नहीं दिखाएगा, आदमी ठीक है कि अच्छी चीज़ें दिखाएगा, अच्छी चीज़ें बयान करेगा, और वही होना भी चाहिए कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतने लोग आपको, 7 लाख लोग प्यार करते हैं, तो आपको वही होना चाहिए कि आप अच्छी चीज़ें लोगों को बताओ, ताकि अगर उनकी ज़िंदगी में दुख है, उनकी ज़िंदगी कहीं रुकी है, उनकी ज़िंदगी कहीं परेशान है, तो आपकी चीज़ों को आपके ब्लॉग के ज़रिए देखकर कम से कम वो थोड़ी देर के लिए तो खुश हो, और थोड़ी देर के लिए कुछ समझ सके कि ये इंसान की ज़िंदगी में अगर ये तरीके से चल रहे तो यार हमको ऐसे भी होना चाहिए। तो वही मैं कोशिश करती हूँ, बाकी तो ज़िंदगी में कड़वाहट बहुत है, लेकिन मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चाहूँगी कि वो कड़वाहट पूरी तरीके से फैल जाए। कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर में मिठास का हिस्सा ज़्यादा डालूँ, करवाहट जो है उसको कम करती जाऊँ। अब ये कोशिश मैं पर्दे के पीछे और लपेट के कर रही हूँ, पर देखने वाले की नज़र देख ले तो काफ़ी है ना। और आप लोग तो कितना प्यार करते, आप समझते हो, और जिसके लिए डालती है जिसके लिए करती है उसको समझना चाहिए। तो यही बात होती है कि जब इंसान 10 बातें 10 मुंह सुनता है ना, तो होता है कि उसको अपनी राह पे खड़े रहना। जैसा मैं, जैसे अभी आप दो, इतने मेरे 7 लाख लोग हैं और मैं हमेशा से कनेक्ट रहती हूँ। अब मैं यहाँ पे जुड़ती हूँ तो 1,000, 2,000, 3,000 लोग तो जुड़ी जाते हैं, तो आपके हर मैसेज में मैं देखते रहती हूँ, लेकिन फिर भी खुल के अपने दिल की बात करती हूँ और हमेशा आप लोगों की बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखती हूँ। तो यही होता है, आप सबके साथ जुड़ो, सबके साथ मिलो, लेकिन जो आपकी पहचान है वो कभी खोने मत दो, है ना। एक अच्छे इंसान की यही बात होती है। देखिएगा आपका किचन चैनल भी चलेगा, आपका किचन चैनल भी बहुत चलेगा, बिकॉज यू आर सुपर वुमन, यू आर माय सुपर वुमन। थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह। चलिए बेटा बहुत पकाया मैंने आज, सब्सक्राइब कीजिए और सुबह तक इंशाल्लाह अगर 1,000 मेरे सब्सक्राइबर हुए तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि बहुत जल्दी 1-2 दिन में मैं मस्त वाली एक रेसिपी शेयर करूं वो चैनल पे। तो दिल से ख्वाहिश है, दिल से दरख्वास्त है। और गरीब नवाज का तो पीछे देख रहे हो ना, ये एक्चुअली
ये चार कुल है लेकिन मैं लाई हूँ गरीब नवाज दर से, मतलब अजमेर से, तो मैं इनको वहीं का तबर्रुक समझती हूँ, वहीं का ऐसा मुझे लगता है कि मेरे गरीब नवाज सरकार का साया मेरे घर पर है। तो बस इसीलिए मैं हमेशा, आप देखते हो कि मोस्टली काम की बातें हो, कुछ भी बातें मैं यहीं बैठ के करती हूँ। तो जजाक अल्लाह, अल्लाह खैर और बरकत दे, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ है मेरा बेटा बोलता, चलो मुझे नीचे जाना, चलो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलती हूँ।